बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में होना है, ऐसे में नववर्ष के आगमन के साथ ही बिहार की राजनीति में गहमा गहमी तेज हो गई है। फिलहाल ये गहमा गहमी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में ही है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और यह आरोप प्रत्यारोप जदयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के बीच है। दोनों एक दूसरे की आलोचना करने से चूक नहीं रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने सुशील कुमार मोदी के उस बयान की कड़ी आलोचना की, जिसमें मोदी ने कहा था कि जो लोग किसी विचारधारा के तहत नहीं बल्कि चुनावी डाटा जुटाने और नारे गढ़ने वाली कंपनी चलाते हुए राजनीति में आ गए, वे गठबंधन धर्म के विरुद्ध बयानबाजी कर विरोधी गठबंधन को फायदा पहुंचाने में लगे हैं। उनके इस बयान पर प्रशांत किशोर ने राजनीतिक शैली में जवाब देते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व और जेडीयू की सबसे बड़े दल की भूमिका बिहार की जनता ने तय की है, किसी दूसरे पार्टी के नेता या शीर्ष नेतृत्व ने नहीं। 2015 में हार के बाद परिस्थिति बस डिप्टी सीएम बनने वाले सुशील मोदी से राजनीतिक मर्यादा और विचारधारा पर लेक्चर सुनना सुखद अनुभव है। वहीं जब मीडिया ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जदयू नेता प्रशांत किशोर और बीजेपी नेता सुशील मोदी के बीच चल रही राजनीतिक द्वंद्व पर सवाल किया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हुए कहा कि सब ठीक है। आपको बता दें कि हाल ही में जदयू नेता प्रशांत किशोर ने नागरिकता संशोधन कानून पर जदयू के समर्थन पर चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा था कि ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानते होंगे कि उन्होंने क्यों इस कानून का संसद में समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा स्टैंड क्लियर है, मैं कभी नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन नहीं कर सकता। अगर पार्टी करती है तो इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दें, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट।